Blackbody radiation. We have so far not mentioned the wavelength content of thermal radiation. हमने तीन टाइप के मोड ऑफ ट्रांसफर हीट ट्रांसफर पढ़े थे. विच आर दे? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. उसमें सबसे पहले बात, अभी उसके बारे में हमने कभी थर्मल रेडिएशन के बारे में अभी तक बात नहीं की. सो द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट थर्मल रेडिएशन एट एनी टेम्परेचर इज दैट इट इज नॉट ऑफ वन वेवलेंथ बट इट हैज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फ्रॉम दिस स्मॉल टू लॉन्ग वेवलेंथ. जब रेडिएशन स्पेक्ट्रम निकलता है तो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं निकलता. इट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम दैट मीन्स बंच ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ टू लार्जर वेवलेंथ. द एनर्जी कंटेंट ऑफ रेडिएशन हाउएवर वेरीज फ्रॉम डिफरेंट वेवलेंथ. हाँ, एनर्जी कंटेंट इन अ रेडिएशन इज डिफरेंट विथ अ डिफरेंट वेवलेंथ. वाई? आगे जाके आप पढ़ोगे और ऑलरेडी यू आर लर्न इन अ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, ए इक्वल्स टू एच एफ एंड एफ इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा. सो इफ लैम्डा इज वेरी देन एनर्जी ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी. द एनर्जी कंटेंट ऑफ द रेडिएशन हाउएवर वेरीज डिफरेंट वेवलेंथ्स. Figure shows, figure gives the experimental curve for radiation energy per unit area, per unit wavelength emitted by a black body versus wavelength of the different temperature. ये जो स्पेक्ट्रा है ना वो बताया गया है किसके लिए? Radiation energy per unit area, per unit wavelength to wavelength. इस एक्सिस पे क्या है? लैम्बडा. यहाँ पे लिखा हुआ है. सो अलग अलग लैम्बडा के लिए अलग अलग एनर्जी कितना है वो लिया गया है. Now, इसमें एक लैम्बडा मैक्सिमम होता है. लैम्बडा मैक्सिमम किसको बोलेंगे? फॉर दैट मैक्सिमम एनर्जी यू कैन सी दैट एज लैम्बडा इंक्रीज इनिशियली एनर्जी गोइंग टू बी इंक्रीज अप टू सर्टेन हाइट ओनली, अप टू सर्टेन लिमिट ओनली, एंड देन इंक्रीज इन लैम्बडा डिक्रीज द एनर्जी. यहाँ से एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना, एरो देखते जाना. ऐसे इनिशियली लैम्बडा इंक्रीज होगा, ऐसे जाएंगे हम तो एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज. अप टू सर्टेन हाइट एनर्जी गोइंग टू बी इंक्रीज एंड देन आफ्टर डिग्रीज. तो पर्टिकुलर एक एनर्जी जो मैक्सिमम है उसका वैल्यू आया. सपोज दिस ग्राफ के लिए मैक्सिमम यहाँ पे मिला, उसके क्रॉसपॉन्डिंग में जो लैम्बडा होगा ना दैट इज नोन एज लैम्बडा मैक्सिमम. ओके, लेटर ऑन हमें जरूरत पड़ेगी तो ग्राफ आया तो मैंने समझा दिया. ओके, आई गया इसीलिए में. नोटिस दैट द वेवलेंथ लैम्बडा एम मैक्सिमम फॉर विच एनर्जी इज, तो लैम्बडा एम यानी कि वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज वैल्यू ऑफ लैम्बडा क्रॉसपॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी. ओके, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. उसके बाद वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. वो कैसे पता चलेगा? तो आपको अलग अलग ग्राफ दिए गए टेम्परेचर के लिए, ठीक है. सो ये 2000 केल्विन के लिए, तो फॉर दैट लैम्बडा एम यहाँ पे आया आया फिर ये 6000 है. अगर एक ग्राफ को आगे एक्सटेंड करो तो ऐसे कहीं मिलेगा, ऐसा आगे जाएगा इस पॉइंट पे, तो उसका लैम्बडा एम ऐसे नीचे जाएगा. तो 2000 के लिए आगे मिला, 3000 के लिए उसके पीछे मिला, 6000 के लिए और पीछे मिला, 8000 के लिए और पीछे मिलेगा. That means, as temperature going to be increased, lambda m zero के नजदीक जा रहा है, lambda m going to decrease. So, notice that the wavelength lambda m for which energy is maximum decrease with increasing temperature. So, the relation between lambda m and T is given by known as Wien's displacement law. तो अभी हमने देखा कि lambda m is inversely proportional to 1 upon T. Because temperature increase, then lambda m going to be decrease. And when we remove this proportionality, we have to put constant. Suppose मैं k put कर देता हूँ upon t, lambda m. तो t कहाँ जाएगा? Lambda m into t. k equals to क्या बन गया? Constant. The value of constant, that is known as Wien's constant, is 2.9 cross 10 raised to minus 3 meter Kelvin. Okay, how it is a meter Kelvin? Unit of lambda meter or temperature का unit Kelvin, और एक constant का value मिला 2.9 cross 10 raised to minus 3 meter Kelvin. This law explains why the color of piece of iron heated in a hot flame become first dull red, then reddish yellow, and then finally become all. Why? Because lambda varies with temperature. Lambda varies with what? Temperature. So as you are going to heat up, temperature धीरे-धीरे-धीरे increase होगा, तो lambda m क्या हो जाएगा? Decrease. मतलब कि सबसे ज्यादा wavelength किसकी है? पहले डल रेड, उसका वेवलेंथ ज्यादा है, फिर कम होगा वेवलेंथ, तो कौन सा येलो दिखेगा? रेडिश येलो. फिर उससे भी कम हो जाएगा तो वाइट कलर का दिखेगा. ओके, बट इतना हीटअप नहीं किया हमने कहीं, या तो आपने कहीं देखा नहीं होगा रेड लोहे को इतना हीटअप करते हुए. जनरली हम रेड तक दिखते हैं नॉर्मली हीटिंग में. ओके, और एकदम और ज्यादा हीट करता है ना वो लोहा, तो येलो कलर में आ जाता है. देखा है ना पार्ट, पट्टी में डाल के लोहे को
हीटअप किया जाता है, पहले रेड कलर एंड देन येलो रिलीज कर जाता है। सो वेन्स लो इज यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक अ मून, सन, स्टार एक्सेट्रा। लाइट ऑफ bodies like a moon, sun and stars. So when a Wien's law is useful for what? Estimating the surface temperature. By using this law we can estimate the temperature of what? Surface of moon, surface of sun and surface of star. वहाँ पे thermometer लेके तो जा नहीं सकते ना, तो Wien's law apply करके ढूंढेंगे किससे कैसे, radiation जो आ रहा है ना उसमें से lambda find कर लेंगे। तो lambda equals to lambda into t equals to constant. कांस्टेंट तो अभी ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है, तो लैम्डा पता हो तो क्या पता चल जाएगा, टी। फ्रॉम द मून इज फाउंड हैव अ मैक्सिमम इंटेंसिटी नियर द वेवलेंथ इज अबाउट हाउ मच, 14 माइक्रोमीटर। बाय वीन्स लॉस द सरफेस ऑफ द मून इज एस्टिमेटेड टू हैव अ टेम्परेचर अबाउट हाउ मच केल्विन, टेम्परेचर टी इक्वल्स टू के बाय लैम्डा। वीन्स कांस्टेंट के का वैल्यू क्या था, 2.3 क्रॉस 2.9 क्रॉस 10 टू माइनस 3, ओके, और लैम्डा की जगह पे रख दो 14 इनटू 10 टू माइनस 6, तो यू विल गेट 200 केल्विन। कितना मिलेगा? द रेडिएशन, सॉरी, सोलर रेडिएशन हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ व्हाट? 4753 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस इज क्रॉसपोंड टू हाउ मच केल्विन? 60 केल्विन, ओके, एट अ सरफेस ओनली, अ सरफेस पे इतना टेंपरेचर है 60 केल्विन। ये भी अगेन वही से मिलेगा, 2.9 क्रॉस 10 टू माइनस 3 डिवाइड बाय 4753 क्रॉस 10 टू माइनस 10, तो यू विल गेट 6060 केल्विन। रिमेंबर दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सन नॉट इट्स इंटीरियर। द मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स इज शोन इन द फिगर, सो एंड दैट इज अ यूनिवर्सल वन। जो भी हमने फिगर देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वैसा ही सबके लिए मिलता है, जो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है उसके लिए सबके लिए वही मिलता है, दैट्स व्हाई इट्स अ यूनिवर्सल वन। It depends only on the temperature and not on the size, shape and material of black body. Every black body has a same phenomenon, same characteristics. 18.18 figure में represent, sorry 11.18 में represent करके दिया गया है. Then चाहे जिस size का हो, वो size का कोई भी shape हो, कोई भी material में से बना हो. Attempts to explain black body radiation theoretically at the beginning of the 20th century supped the quantum revolution in physics. As you will learn in later of course. That means कि हम जब आगे electromagnetic waves में जाएंगे, dual behaviorality में जाएगा, तब ये quantum behavior को, quantization rule को ध्यान में लेंगे, उसमें Planck आएगा, Planck equals to energy. But again, ये physics के accordance में बोला है कि आप बाद में सीखोगे, but अगर chemistry के accordance में देखें तो chemistry के accordance में already we learn. Chapter number 2, quantum mechanics. Okay, quantization rules of Planck. वहाँ पे था ही, black body radiation topic वहाँ पे भी था. Okay? कैविटी वाला याद है ना फिगर। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, एनर्जी लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसफर कर सकते हैं बाय रेडिएशन विदाउट अ मीडियम। और वैसे भी आप देखो सन से हमारे अर्थ पे लार्ज डिस्टेंस तक एनर्जी आ रहा है, कोई मीडियम की जरूरत है कृष्णा? नहीं है ना, सो विदाउट अ मीडियम इन अ वैक्यूम, एंड सो द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। ओके, ये जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो किसके डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, उसके प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड्स है, ध्यान देना। आई मिस्टेक, द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एनर्जी रेडिएटेड होता है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? साइज, यानी कि द इफ साइज ऑफ द बॉडी इज मोर या तो फिर लार्जर, then the energy emitted by it is also more. Okay, its ability to radiate, that is known as emissivity. Okay, agar radiation capacity jyada hai to be energy kya milega? Jyada milega. The most important to its temperature, aur uska temperature usme bhi dependable hai. Temperature jyada hoga to energy radiation bhi kya hoga? Jyada. Aaya samajh mein? Ek sun aur ek lamp size mein fark hai to energy emission mein bhi kya hoga? Fark. Emissivity mein bhi fark hota hai. Okay, black jaldi se radiation karta hai, जितना एब्जॉर्बर है उतना ही ज्यादा रेडिएशन है, बट वाइट उतना जल्दी से एनर्जी एमिट करेगा नहीं, तो वो नेचर हो गया सब्सटेंस। एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर, बल्ब एंड और सन के टेम्परेचर में डिफरेंस है, बिलियंस ऑफ है इंटीरियर में, यहाँ पे तो सर्वल केल्विन ही है,
वहां पे भी डिफरेंस क्रिएट हुआ. देन फॉर अ बॉडी विच इज परफेक्ट रेडिएटर द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम क्यू बाय टी इज नोन एज हीट करंट एच. ओके डेल्टा वी बाई से पढ़ा था ना हमने डेल्टा वी बाय आर. आगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर किया था याद है करंट को. दैट इज हीट करंट दैट इज गिवन बाय ए इंटू सिग्मा इंटू टी रेस टू फोर. हाउ ऊपर के पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि दैट एनर्जी पर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू साइज. साइज से क्या आएगा एरिया. एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी बाद में लेते हैं बट इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव हुआ कि इट इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू फोर. कंबाइनली बोले तो एच इज प्रोपोर्शनल टू ए टी रेस टू फोर. Okay, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो कोई कांस्टेंट का आएगा सिग्मा. बट दिस सिग्मा इज वेरी वीक सब्सटेंस यानी कि डिपेंडेंस ऑफ सब्सटेंस भी आ गया. आ गया कि नहीं. ऊपर के पैराग्राफ में मैंने तीन आपको अभी कंपैरिजन करवाए थे ना. एक तो सब्सटेंस पे व्हाइट और ब्लैक बोल के साइज पे लैंप और सन का एग्जाम्पल लेके टेम्परेचर का एग्जाम्पल लेके तो तीनों के तीनों आ गए. ए इज द व्हाट टी इज द व्हाट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द रिलेशन obtained experimentally by Stefan and later proved theoretically by Boltzmann is known as Stefan-Boltzmann law. And a constant sigma is called Stefan-Boltzmann constant. Its value in a SI unit is 5.6 cross 10 to minus 8 volt per meter square plus Kelvin raised to 4. How? जो sigma है ना sigma चाहिए तो a और t raised to 4 कहाँ जाएगा? नीचे. इट्स एनर्जी एच मतलब व्हाट एनर्जी अपन टाइम. एनर्जी अपन टाइम यानी पावर. पावर यानी व्हाट. ओके तो एच का यूनिट है व्हाट. अपन एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और टी रेस टू फोर का यूनिट केल्विन रेस टू फोर. क्या हुआ व्हाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेस टू फोर. पर बोल दिया यानी माइनस नहीं बोला तो व्हाट मीटर रेस टू माइनस टू केल्विन रेस टू माइनस फोर. यूनिट में कोई डाउट आया ना. ओके Now what is the MLD formula of what? What ka? M1 L2. Okay, ab wo nahi hai. M1 L2 T minus 3 is the formula of energy only. So what ka direct nahi aata, to energy upon time kar do. So T minus 3 hota, that is what. Okay, but nahi aata, to seedha maine nahi liya. Maine kya liya? Energy upon time. Ye what ka ho gaya? Meter square ka? L raised to 2 का Kelvin raised to 4 का K4 तो M1 सिर्फ L0 कट होगा T raised to and K raised to minus 4. Okay. Most of the bodies emits only a fraction rate given by equation. ये जो equation अभी हमने देखा A into sigma into T raised to 4 उसका कुछ fraction ही emit करते हैं. पूरा का पूरा 100% efficiency होता नहीं. तो फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए और एक मैथमेटिकल टर्म इंसर्ट कर दे तो वो मैथमेटिकल टर्म इंसर्ट किया गया E ऐसा एमिसिविटी पावर. सो अ सब्सटेंस लाइक अ लैंप ब्लैक कम्स क्लोज टू द लिमिट. लैंप ब्लैक है ना दैट इज नॉट एग्जैक्टली 100% ब्लैक बॉडी बट वो नियरेस्ट टू ब्लैक बॉडी है. लैंप ब्लैक मतलब पता है ना मैश ब्लैक कलर का जो मैश आता है ना जो काजल लगाते हो दैट लैंप ब्लैक. Okay, वो nearest to the limit, limit के नजदीक है यानी कि exactly black body नहीं है but black body से बिल्कुल नजदीक है. When therefore defined the dimension fractions that is E called emissivity and that emissivity is written as E then H equals to A into E into sigma into T raised to 4 where E equals to 1 for what? Perfect radiator यानी कि black body. अगर E equals to 1 रख दो तो ऊपर वाला formula मिलेगा A into sigma T raised to 4 that is perfect black body. For a tungsten lamp for example is of about only 0.4% tungsten lamp जो yellow color का आता था जिसके अंदर वो थोड़ा सा thick एकदम thick क्या होता था wire होता था filaments बोलते जिसको yes और वो filament किस में से बना होता है tungsten में से. उसके लिए emissivity power कितना है only 0.4. So thus the tungsten lamp at a temperature 3000 Kelvin under surface area of about 0.3 cm square radiates at a rate, energy radiates at a rate of H equals to, pehla aaya A. A kitna hai? 0.3 cm square. To kya likha? 0.3 into 10 raised to minus 4. Dusra aaya? E kitna hai? Phir aaya sigma kitna hai?
10^-8 टेम्परेचर कितना दिया गया है 3000:4 ओके सिंप्लीफिकेशन से यू विल गेट 61 और ऑलमोस्ट हमारे जो हेलोजन लैंप्स थे ऑलमोस्ट 10 वॉट से लेके 100 वॉट तक मिलते थे ओके वो एक छोटा सा जो आता है ना 100 वॉट का ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता था हीटर अपना देगा उसके बाद तो वो 60 वॉट का एनर्जी देगा तो उस वक्त फिलामेंट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जैसे उल्टा सोचो अभी हमने टेम्परेचर से वॉट निकाले बट अगर 60 वॉट का बल्ब लेके आते हैं तो फिलामेंट का टेम्परेचर कितना होता है 3000 केल्विन बॉडी टेम्परेचर टी विद सराउंडिंग टेम्परेचर टी एस बॉडी का टेम्परेचर कितना है टी सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है टी एस दैट एमिट्स टेम्परेचर एमिट्स एज वेल एज रिसीव्स द एनर्जी शायद वो एमिट भी कर सकता है या तो फिर क्या कर सकता है रिसीव फॉर अ परफेक्ट रेडिएटर द नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज H equals to A into sigma, A into E into sigma raised to क्या था? Sigma into T raised to क्या था? 4. तो A into sigma into E कहाँ गया? Perfect radiator है. That's why E equals to क्या गया? 1. तो लिखा? नहीं. सिर्फ T raised to 4 था, लेकिन अब तो surrounding का temperature कितना है? TS. ये जब पढ़े थे ना, तब surrounding का temperature आपने माना था कितना Kelvin? 0 Kelvin. It is possible? Surrounding temperature 0 Kelvin? No. तो उतनी heat कम जाएगी ना? तो फिर हम यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे टी रेस टू फोर माइनस टी एस रेस टू फोर समझ में अगेन हाँ इसको और कुछ नहीं देखो आपको ऐसा बोला है टी टेम्परेचर पे कितना हीट एमिट करेगा लॉस करेगा उसका एग्जांपल उसका फॉर्मूला है ना तो टी टेम्परेचर पे वो कितना हीट लॉस करेगा सिग्मा इंटू टी रेस टू फोर और टी एस टेम्परेचर पे कितना कर सकता है सिग्मा इंटू टी एस रेस टू फोर मतलब कि अगर टेम्परेचर बॉडी का टी है और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है टीएस तो कितना करेगा तो इसमें से माइनस करो आया समझ में तो सिग्मा ए सिग्मा ए क्या हो गया कॉमन टी रेस टू फोर माइनस टीएस रेस टू फोर पर बॉडी भी था एमिस्टिविटी ई वो परफेक्ट बॉडी के लिए था परफेक्ट रेडिएटर और मानो कि अगर एमिस्टिविटी ई है तो आगे कुछ नहीं क्या ऐड हो जाएगा ई हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल लेट अस एस्टिमेट द हीट रेडिएट बाय बॉडी अवर बॉडी Suppose the surface area of person's body is about only 1.9 meter square and the room temperature is about 22 degrees Celsius. Room temperature kitna hai? 22 degrees Celsius. The internal body temperature as we know that it is how much? 37 degrees Celsius. The skin temperature may be 28. Okay, body ke andar ka 37 hota hai. Skin temperature shayad 28 ho sakta hai. Now the emissivity of the skin is about how much degree? Oh sorry, how much point? 0.97. Nearest to the perfect radiator. Our body skin is nearest to the perfect radiator. One hota to exact radiator ho jata. It's a 0.97. Aaya samajh mein? Now the relevant region of electromagnetic radiation or the relevant region of the electromagnetic radiation, usko hum kya maan sakte hain? 0.97 emissivity. Now the rate of heat loss kya hota hai? Sigma. To aa gaya sigma. Okay, sigma के बाद क्या होता है a क्या होता है a तो आ गया a 1.9 मीटर स्क्वायर फिर क्या लिया है लोगों ने e ओके फिर लिया है t रेस टू 4 माइनस t s रेस टू नाउ t यानी टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ द स्क्रीन ओके 273 प्लस 28 हाउ मच 273 प्लस 28 डिग्री सेल्सियस में है ना प्लस 273 करेंगे कितना आया 301 और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना था रूम टेम्परेचर कितना है 22 प्लस 273 295 आ गया वैल्यूज टीएस का वैल्यू रखा और टी का वैल्यू रखा यू विल गेट फाइनली 66.4 वाट वी कैन एमिट दिस 66.4 वाट एनर्जी टू द रूम ओके इफ रूम टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस अगर 22 डिग्री यानी विंटर का कंडीशन हो गया अभी विंटर का कंडीशन चल रहा है ना अगर समर हो तो एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज तो वो जो माइनस था ना वो कम हो जाएगा बॉडी व्हिच इज मोर देन हाफ रेट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन बाय आवर बॉडी एट अ रेस्ट अगर हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है 120 वोल्ट अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो रेस्ट सिचुएशन में हो देन योर बॉडी गोइंग टू जनरेट द एनर्जी ऑफ हाउ मच 121 उसमें से आधा एनर्जी तो हम रेडिएट कर देते हैं 66.4 नाउ टू प्रिवेंट दिस हीट लॉस इफेक्टिवली बेटर देन ऑर्डिनरी क्लोथिंग मॉडर्न आर्किटेक्ट क्लोथ्स हैज अ एन एडिशनल थिन
shiny metallic layer next to the skin which reflects the body radiation. अगर सपोज बात करें कि ये 22 डिग्री सेल्सियस है, उसके लिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस होता, कितना होता 0 डिग्री सेल्सियस। तो नाउ कैलकुलेट, ये जीरो ले लो और ये कैलकुलेट करो, 30 into 1, 30 into 1, सॉरी 301, 301 0.97, 1.9 into 5.67, इसे 273 होगा। 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन होगा। तो चलो इसका इसका 4 पावर करो, 30 into 1, 30 into 1, 30 into 1, 301। ओके, 301 इंटू 301 इंटू 301 इंटू 301 चार बार, कितना आया? 8205 4 1 2 0 1 4 1 2 0 1 2 0 1। क्लियर? इसका 273 का करो, 0 डिग्री सेल्सियस के लिए आएगा 273 का, 5 5 5 4 5 7 5 5 4 5 7 1 8 4 1 4 1। ओके, दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, इनटू 0.97 इनटू 1.3 सॉरी 1.9 इनटू 5.67 किया, टू सेवन सेवन थ्री थ्री फोर सेवन फोर सेवन ट्रिपल फाइव सेवन पॉइंट एट। अभी उसमें 10^-8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उस वक्त भी कितना मिल रहा, 277 वाट। तो आप सोचो कि हिमालय में, हिमालय रीजन में जो हमारे सोल्डर 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिविटी करते होंगे, तो उनके बॉडी में तो प्रोड्यूस कितना होता होगा, लॉस कितना हो जा रहा है, 277। तो दे रिक्वायर स्पेशल टाइप ऑफ कोट। सो आपने अगर डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफी देखा हो ना, तो दे वियर व्हाइट कोट, उसके अंदर मेटालिक सर्फेसिस होते हैं। उसके अंदर कौन सा सर्फेसिस होता है, मेटल, दैट कैन रिड्यूस द एनर्जी लॉस। अंदर का टेम्परेचर फिर जीरो नहीं, स्किन के बाहर और कोट के अंदर का टेम्परेचर जीरो नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू दी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दी हीट। आया समझ में? सो देखा है आपने कभी डिस्कवरी में? ओके, बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, द अर्थ सरफेस। ओके, और इसीलिए ही हम विंटर में भी हमारा ज्यादा रेडिएशन ना हो जाए, इसलिए ना हो जाए इसलिए थिक लेयर्स थिक कोट्स पहन देते। आया समझ में? और ताकि हमारा ज्यादा एनर्जी लॉस हो नहीं। द एनर्जी सरफेस सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट, the earth surface is a source of thermal radiation as it absorbs the energy received from the sun. वो इस सन से जो एनर्जी मिलता है उसको क्या कर रहा है, absorb. And the wavelength of this radiation lies in a long wavelength infrared region. But a large portion of this radiation is absorbed by the greenhouse gases. Majority of the portion of this radiation कौन absorb कर लेता है, greenhouse gases. अब ऐसे greenhouse gases में कौन आता है, carbon dioxide, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFX, CLX एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन दैट इज O3। दिस हीट अप्स एटमॉस्फेयर व्हिच इन टर्न गिव्स अ मोर एनर्जी टू द अर्थ एंड रिजल्टिंग इन द वार्मर सरफेस। फिर वो अंदर अंदर ही एब्जॉर्ब करके रखते हैं हीट, तो टोटल अंदर अंदर ही रिफ्लेक्ट होता रहता है हीट, एंड दैट्स व्हाई हमारे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जाता है, एटमोसफेयर का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होता है। ओके, तो अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाने की वजह से वार्मर सरफेस क्रिएट होते हैं, एंड दिस इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस। ओके, ध्यान देना, अगर सनलाइट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लैंड मास की ओर आ रहा है तो वो एब्सॉर्ब नहीं होगा, बट व्हेन इट स्ट्राइक द लैंड मास एंड देन अगेन रिफ्लेक्ट, जब वो रिफ्लेक्ट होगा तब इंफ्रारेड रीजन में जाएगा। ओके, एब्सॉर्ब होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा तब कौन से रीजन में जाएगा, इंफ्रारेड। तब वो जो इंफ्रारेड रेड्स बाहर की ओर जा रहे हैं ना, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आया? जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, जिसका हमने नाम बोला CH4 N2O CX CFX CLX। ओके, ये जो गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेस, वो किसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं।
And so the cycle of process described above is repeated until no radiation is available for absorption. Okay, ये cycle repeat होता जाएगा. कैसे? Secondly, अब उन्होंने क्या किया? Absorb किया. Once जैसे वो sun rays आ रहे थे, landmass को incident हुए, reflect होके absorb हो गए greenhouse gases से. वो greenhouse gases का temperature बढ़ेगा heat up की वजह से. वो अपने में से वापस radiation को क्या करेंगे? Emit करेंगे. वो वापस radiation कहाँ टकराएगा? Landmass पे. वापस रिफ्लेक्ट होगा, वापस एब्जॉर्प्शन होगा. ये साइकिल चलती रहेगी. कब तक चलती रहेगी? अंटिल नो रेडिएशन इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन. हाँ, अब ध्यान दो, जब उन्होंने एब्सॉर्ब किया तो एब्सॉर्ब करके रखेंगे और कुछ का ही एमिशन करेंगे. इनिशियली अगर 100% एब्जॉर्प्शन होगा तो 90% एमिशन होगा. वो 90% टकराएगा, फिर वापस जाएगा, तो कम बचेगा ना. जितनी जितनी बार टकराएगा और वापस जाएगा, टकराएगा वापस जाएगा, उतना कम होता जाएगा रेशियन. और वो तब तक एब्सॉर्ब होता जाएगा जब तक फुल्ली एब्सॉर्ब ना हो जाए. तो पहले 10 हुआ था, वापस सेकंड टाइम में 10 हो गया, थर्ड साइकिल में 10 होगा. ऐसे करके करके तब तक एब्सॉर्प्शन होगा जब तक कोई रेडिएशन बाकी ना रहे. एंड सो द नेट रिजल्ट इन अ हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन -18°C. सॉरी, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट the earth, the temperature of the earth would be -18°C. Without, यानी कि thanks to greenhouse effect, कि atmosphere है, atmosphere में ऐसे gases है जो इस heat को trap करके रखते हैं. Otherwise, पहला planet कौन सा है? Sun के नजदीक mercury जैसा होता, दिन में higher temperature, रात में बिल्कुल minus. क्योंकि जो जितना ज्यादा absorbent होता है, उतना ही ज्यादा radiator भी होता है. तो हमारा energy पूरा landmass से निकल जाता, कहाँ पे? Universe में. थैंक्स टू एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है उसको क्या करके रखते हैं? ट्रैप करके रखते हैं और रात का टेम्परेचर भी बनाए रखते हैं. समझ में? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस हैज एनहांस्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज मेकिंग द अर्थ वार्मर. एंड अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज बाय 0.3 टू 0.6°C. सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी बिकॉज ऑफ द एनहेंसमेंट इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 0.3 to 0.6°C. और ड्यू टू दैट बाई द मिडल ऑफ द नेक्स्ट कंट्री सॉरी नेक्स्ट सेंचुरी द अर्थ ग्लोबल टेम्परेचर मे इंक्रीज 1 to 3°C हायर देन टूडे. आज जितना है ना, मिडल ऑफ दिस सेंचुरी 1 to 3° ज्यादा बढ़ जाएगा. एंड सो दिस ग्लोबल वार्मिंग मे कॉज प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड रिसेंटली न्यूज ऑस्ट्रेलिया में, ओके, फायर फॉरेस्ट हुआ ना, उसका रीजन क्या? ग्लोबल वार्मिंग. बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आइस कैप आर मेल्टिंग फास्टर, सी लेवल्स आर राइजिंग एंड वेदर पैटर्न इज गोइंग टू बी चेंजिंग. मेनी कोस्टल सिटीज आर एट अ रिस्क गेटिंग द सबमर्ज. काफी सारे लोग सबमर्ज हो भी गए आईलैंड, और काफी सारे हो जाएंगे. तो जो कोस्टल रीजन पे सिटी है सी के नदी, वो सबको रिस्क है. And the enhanced greenhouse effect may also result in a expansion of deserts. All over the world, efforts are being to minimize the effect of what? Global